मर्दों को परेशानी से दूर करता है यह डिले स्प्रे। शीघ्र पतन ये करीब करीब 100 में से 60 से 70 लोगों को होता है। लोग बहुत परेशान होते हैं, एक मिनट के पहले यदि पतन हो जाता है, वीर्यपात होता है, तो इसको बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर शीघ्र पतन है। इसमें क्या होता है कि महिला पार्टनर खुश नहीं होती, झगड़े झंझट होते हैं, यहाँ तक कि शादी टूट जाती है, डिवोर्स होता है, विवाह बाह्य संबंध तैयार होते हैं, इसलिए वो जल्दी ठीक करना जरूरी है। मगर लोग शर्म के मारे डॉक्टर के पास में जाते नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा वीडियो बनाया कि ये आप घरेलू उपचार जैसा कर सकते हैं, मतलब आपको डॉक्टर की तरफ जाने की जरूरत नहीं। ऐसा उपचार कैसा है ये, तो डिले स्प्रे है ये, घरेलू इसलिए है कि आप जाते हो तो मेडिकल स्टोर में ये स्प्रे मिल जाता है। ये स्प्रे है या ऑइंटमेंट है, मरहम है, इसमें लाइडोकेन प्रायलोकेन इसका कॉम्बिनेशन है। आप कोई भी दुकान पे जाते हो, केमिस्ट पे, और उनको बताते हो कि भाई हमको डिले स्प्रे होना या एनेस्थेटिक स्प्रे होना, तो मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है, कोई भी शॉप पे मिल सकता है, ताकि ये आप खुद ही इसका इलाज मतलब कर सकते हैं शीघ्र पतन का। ये क्या होता है कि ये पेनिस को नम करते हैं, सुन करते हैं पेनिस को, ताकि सेंसिटिविटी निकल जाती है और आदमी ज़्यादा समय तक टिकता है। ये तो कि ये किसने यूज़ करना चाहिए, ये करना चाहिए वो लोगों ने कि जिनका पेनिस और सामने वाला जो रहता है सुपारी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है। नंबर दो, 5 मिनट और 40 सेकंड एवरेज टाइम है, उससे यदि कम हो रहा है सेक्स तो वो सब लोगों ने इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वैसा मैंने बताया कि भाई 1 मिनट के पहले हो गया तो वो ज़्यादा है, सीवियर प्रॉब्लम है, मगर काफ़ी लोगों को 1 से 3 मिनट में निकल जाता है, कुछ लोगों को 3 से 5 मिनट में निकल जाता है। तो 5 मिनट से यदि कम है तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा लेना ही चाहिए। नंबर तीन जो है कि भाई आपको दवाइयों की एलर्जी है और दवाइयाँ आप ले नहीं सकते, जैसा कि मैं बताता हूँ कि भाई दवाइयाँ अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है, डेपॉक्सिटिन, पैरोक्सिटिन, फ्लियोक्सिटिन, ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो दवाइयाँ आप लेते हैं तो डेफिनेटली पतन का टाइम बढ़ जाता है, मगर वो दवाई को समझो आप एलर्जिक है, दवाई ले सकते हैं तो ये कारगर है डेफिनेटली। जो लोग सिर्फ टाइम बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो ये जो मलहम है, स्प्रे है, ऑइंटमेंट है, इसके कंडोम्स भी मिलते हैं, मोटे कंडोम, जाड़े कंडोम रहते हैं, और एनेस्थेटिक जो स्प्रे है या मलहम जो उसके अंदर लगा रहता है, ताकि वो कंडोम पहनने के बाद में पेनिस जो है वो सुन हो जाता है। मगर अभी ये जब आप वापरेंगे तो इसमें थोड़े साइड इफ़ेक्ट भी है। साइड इफ़ेक्ट क्या है कि एक तो लिंग की ताकत कम हो सकती है, क्योंकि सुन पड़ गया लिंग, और लिंग सुन होने के बाद में कोई फीलिंग ही नहीं आ रहा है, कोई घर्षण नहीं हो रहा है, तो सेंसिटिविटी कम्प्लीट निकल गई तो लिंग ढीला हो सकता है, ताकत कम हो सकती है। नंबर दो, वजाना भी जो है, स्त्री का वजाना, योनि का पार्ट, योनि मार्ग, वो भी सुन हो सकता है, और वो यदि सुन हो गया तो स्त्री को भी उसमें मजा नहीं आएंगी। नंबर तीन, आपको ये प्लान करना पड़ेगा, मतलब कम से कम 10-15 मिनट पहले ये होना जरूरी है। आप नहीं लगाएंगे और वैसे चालू करेंगे तो होगा नहीं, तो इसको 10-15 मिनट का टाइम देना चाहिए, अच्छा खासा टाइम लगता है। तो ये डिले स्प्रे है, बहुत ही कारगर है, और ये डेफिनेटली आप यूज़ करते हैं। अच्छा, ये यदि आपको सूट करता है तो बहुत ही अच्छा है, मगर इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ हैं कि जिसमें मैंने दवाइयों के बारे में बोला है, फिर मैंने बहुत सारे टेक्निक्स दिए हैं, जैसा कि स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, ये वीडियो मेरा जरूर आप देखिएगा यूट्यूब पे, स्क्विज टेक्निक, फीमेल ऑन टॉप टेक्निक, मास्टरबेशन टेक्निक, फिर मन को भटका देने का टेक्निक, रिलैक्सेशन का टेक्निक, कीगल्स एक्सरसाइज, और फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सब करते हैं आप तो डेफिनेटली फ़ायदा होता है। टाडानाफिल, सिलडानाफिल जब आप लेते हैं तो उससे भी क्या होता है कि हो सकता है कि पहली बार जल्दी निकल जाएगा, मगर सिलडानाफिल, वायग्रा से वो टेंशन टिका रहता है, तो आप सेकंड टाइम कर सकते हैं, और सेकंड टाइम जब आप करते हैं तो जल्दी गिरेगा नहीं। तो इस तरह से ये जो वायग्रा जैसी गोली है वो भी इसमें काम में आती है। अदरवाइज़ सर्ट्रालिन, फ्लॉक्सिटिन, ये जो दवाइयाँ हैं बहुत अच्छी काम करती है और लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा, आप अच्छा एंजॉय कर सकेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।